हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू TYBMS। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसमें क्या तुम्हारा IMP क्वेश्चन आएगा, और अच्छे से पेपर पैटर्न डिस्कस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते, इतना ही कर लो, अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाएगा। तो 15 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव आता है आपको, ठीक है। जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसको अच्छे से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, और इसके ऑप्शन में तुमको प्रॉब्लम भी आएगा, डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम भी आएगा, मूविंग एवरेज का 3 ईयर 5 ईयर है ना, आपको मूविंग एवरेज ढूंढना पड़ेगा। और क्या क्या क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस साइकिल पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक पढ़ के रखो, किधर भी डाल सकते हैं, फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिवर्स लॉजिस्टिक इज एग्जांपल। फिर इसका ये आएगा तुमको, क्या आएगा बच्चों लोग, मैंने बोला ना अभी, इसका आपको प्रॉब्लम पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट ईयर के पेपर में भी ना तुमको ये सब आया था, और राइट्स ऑफ कंज्यूमर है वो भी ईजी है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है तुम्हारा वेयर हाउस के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, तो ट्रांसपोर्ट में तुमको टाइप्स ऑफ वेयर हाउस उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ना है, मटेरियल हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ बेनिफिट ऑफ पैकेजिंग पढ़ना है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो तुम पर ध्यान देना है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, और एक आंसर इसमें बुलविफ इफेक्ट, वो तुमको शॉर्ट रन में दिखेगा। फिर नेक्स्ट तुमको क्या आएगा मालूम है, इन्वेंट्री के ऊपर टॉपिक आएगा, और इन्वेंट्री में ना EOQ के ऊपर तुमको प्रॉब्लम आएगा, इधर है ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, जैसे डिमांड फोरकास्टिंग है ना वैसे EOQ के ऊपर तुमको एक प्रॉब्लम आने वाला है, इस पर तुमको ध्यान देने का, ठीक है। और फिर तुमको एक वेयर हाउस पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जैसे कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ABC, जस्ट इन टाइम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस पढ़ना है, ग्लोबल इश्यू और चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम। और ये तुम्हारा कुछ शॉर्ट नोट्स है, जो आंसर ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, नीचे आएगा ऊपर आ जाएगा ना। तो शॉर्ट टर्म में क्या ग्रीन लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक मिक्स तुमको एक आएगा, रिवर्स लॉजिस्टिक जो ऊपर बोला है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग EOQ के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, लैश आ सकता है, रोरो इफेक्ट आ सकता है ना, बुलविफ इफेक्ट, लॉजिस्टिक पार्क, 3P है ना, 3 पार्टी या 4 पार्टी वालों के सलाम। इस तरह तुम्हारा लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन मैनेजमेंट का IMP क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी क्या करना है तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।